अच्छा अभी नहीं, बाद में क्लास के बाद बात करते हैं। चल अब भगवान करो जी, एक छड़ी नहीं तो चढ़ा देंगे। ईशान को भगवान करो। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं अब, सर्किल ये फ्रेश टॉपिक है और सबसे आसान है। हम लोग आपको एकदम एल के जी से शुरू कर रहे हैं। सर्किल में सबसे शुरू यही होता है, इससे नीचे नहीं सर्किल जाता है ना, सबसे नीचे वाला यही है। मैंने आपको 2 क्लास में भी पढ़ाएंगे तो यही चीज, पकड़ रहे से इसके वजह से नहीं आया। 2 क्लास में भी पढ़ाएंगे तो यही चीज पढ़ाएंगे, 3rd में भी पढ़ाएंगे तो यही चीज पढ़ाएंगे, 4th में भी पढ़ाएंगे तो यही चीज पढ़ाएंगे, है ना। अंतर ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अंतर मिलेगा आगे चल के, लेकिन शुरू का 4-5 क्लास ऐसे रहता है ना। तो सर्किल क्या होता है सर? कुछ ना होता, एगो है ना बाबू, एगो धागा ले लो। क्या ले लो भोला? एगो धागा ले लो, है ना। एगो धागा ले लो बाबू, और धागा को एक साइड क्या करो, पकड़ लो, और पकड़ के कलम में है ना बाबू क्या करो, घुमा दो। तो जो फिगर आपका तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सर्किल कहेंगे, है ना। धागे गायब हो गया, कुछ नहीं करना। एक धागा हो गया, थ्रेड हो गया सर, एक जगह क्या करो बाबू, यहाँ से फिक्स कर दो, और एक जगह क्या करो कलम है ना बाबू, एक जगह क्या करो कलम एक में डालो ऐसे, इस तरह से है ना, और इस तरह से घुमा दो। इस तरह से घुमाने के बाद बाबू जो शेप बनेगा गोल गाल, है ना, उसी शेप को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। उसी शेप को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, ठीक। और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जहां पे धागा बाबू, जहां पे धागा पकड़ ले हो, फिक्स पॉइंट है, जहां पे धागा पकड़ ले हो उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है। जहां पे धागा पकड़ ले, पकड़ के घुमाओगे ना, जितना हवा में पकड़ इसे यहाँ नहीं दाबोगे तो कैसे घूमेगा। तो जो फिक्स पॉइंट पकड़ के घुमा रहे हो इस तरह से भोला, है ना, इस तरह से, तो जो यहाँ पे पकड़ के घुमा रहे वो मेरा क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा। इसी पॉइंट के अंगने रोटेट कर रहा, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, सर्किल का सेंटर कहते हैं। क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे, सेंटर, है ना। तो सेंटर को जनरली ओ से इंडिकेट करते हैं, जनरली। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। जनरली मान लेते ओ से रिप्रेजेंट करते, ठीक। नेक्स्ट बाबू, धागा पकड़ के ये घुमा रहे थे, इसका कुछ लेंथ होगा ना, है ना बाबू, ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे हर एक जगह। देखो इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, यहाँ भी वही लेंथ है, यहाँ भी वही लेंथ है, यहाँ भी वही लेंथ है, यहाँ भी वही लेंथ है ना, सारे जगह क्या है, सेम लेंथ है। तो ये जो लेंथ है धागा का, है ना, ये क्या बनेगा, ये सर्किल का रेडियस बनेगा। ये जो फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ मतलब क्या, जो नहीं बदलता। बचपन में सिखाया तो फिक्स का मतलब क्या, जो नहीं बदलेगा। तो ये लेंथ एक सर्किल के लिए, इस सर्किल के ये सारे जगह लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा, सेम ही लेंथ है, कहीं बढ़ छोट नहीं हो रहा है ना। तो ये जो फिक्स लेंथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल का रेडियस कहेंगे। जो फिक्स डिस्टेंस है या फिक्स लेंथ है इसको क्या कहेंगे, सर्किल का रेडियस कहेंगे। तो वही इंग्लिश में लिखल है, जो अभी आपको बोले ना वही बात कैसे है ला बाबू, वीडियो ऑन करो। इंग्लिश में लिखल है ना, इंग्लिश में, है ना बाबू, इसी के लिए है ना। ए सर्किल इज अ सेट ऑफ दोज पॉइंट, यहाँ से बाबू सर्किल ड्रा करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है ना जी, सेट ऑफ पॉइंट है कि नहीं, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अरे ऐसे ऐसे छोटा छोटा कट करो ना बिंदी जैसा, है ना, तो इसमें कैसा होगा, इन्फिनाइट पॉइंट होगा। कैसा होगा? इन्फिनाइट पॉइंट होगा, है ना, इन्फिनाइट पॉइंट होगा, है ना। तो वही सेट ऑफ दोज पॉइंट बाबू, इन ए प्लेन। प्लेन कहने का मतलब क्या है, ये बोर्ड वाला एक प्लेन हो गया, एक के प्लेन में रहेगा, है ना, एक के प्लेन में, दो प्लेन में नहीं। कहे का मतलब की सर, कहे का मतलब, प्लेन का मतलब समझ में आता है जी? देखो एक एक लाइन को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते चलो। जैसे ये रजिस्टर है, ठीक, अब ये रजिस्टर है भोला, है ना बाबू, तो यहाँ पे 2 गो प्लेन है, ये एगो अपन ई प्लेन हो गया, एगो ई प्लेन हो गया, तो यहाँ 2 प्लेन हो गया, है ना, 2 प्लेन हो गया, है ना। तो हम लोग के पास वो जनरली 3 प्लेन होते हैं ना, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये दूसर प्लेन हो गया, ये आपका दूसर प्लेन हो गया, है ना, ये दूसर प्लेन हो गया। तो सर्कल जब भी रहेगा ना तो एक के गो प्लेन में रहेगा, या तो इस प्लेन में लाई करेगा नहीं तो इस प्लेन में लाई करेगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि आधा एरा में आधा एरा में, ऐसे कभी नहीं होगा सर्कल, कभी नहीं होगा कि आधा एरा में जाएगा आधा एरा में जाएगा, ना, या तो एरा में जाएगा नहीं तो इस प्लेन में जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो यही प्लेन का मतलब होता है, ठीक ठीक है ना बाबू। तो वही लिखल है, पॉइंट्स इन ए प्लेन बाबू, है ना, डायटर बाबू, है ना, फिक्स डिस्टेंस बतेबे किए फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन, है ना, कि किसी प्लेन में, ये बोर्ड मेरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। तब सर्किल क्या हुआ, सेट ऑफ पॉइंट। क्या सेट ऑफ पॉइंट मतलब, बहुत सारे पॉइंट का क्या, सेट मतलब कलेक्शन, जो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है, और वो हमेशा सारी जगह क्या होता है, सेम होता है। ये जो फिक्स लेंथ है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही जो फिगर बनेगा, है ना, आपका गोल गोल फिगर बनेगा, उसी फिगर को नाम क्या रख दिया गया, सर्किल नाम रख दिया गया, और कुछ नहीं किया गया ना। इसी फिगर को क्या नाम रख दिया गया, सर्किल, है ना। तो यही बेसिक डिफिनेशन है सर्किल का, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं है। सर्किल को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
अगर मान लो कोई सर्किल का जो फिक्स पॉइंट है उसको ओ से, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, है ना। ठीक, तो सेंटर को कैसे, ओ से मानते हैं। कैसे मानते हैं, ओ, है ना, ओ जनरली ऐसा हार्ड फर्स्ट नहीं रूल है ना। और ये जो फिक्स लेंथ है, जो फिक्स लेंथ या फिक्स डिस्टेंस का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। रेडियस को आर को, तो जनरली कहीं सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करें, ओ सेंटर हो गया, आर रेडियस हो गया, तो इसको सी क्या हो गया, सर्किल हो गया। तो सर्किल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, क्या इसको क्या पढ़ेंगे, कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। ये कोई सर्किल है बोला जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। इस सी ओ आर का मतलब ये हुआ, सी ओ आर का मतलब क्या हुआ, यही हुआ है ना, यही हुआ। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो यही लिखा है, सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज बाउ रिप्रेजेंटेड बाई सी ओ आर, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, है ना। नेक्स्ट, ये और आसान पॉइंट है, कोई भी पॉइंट बाबू कहेंगे सर्किल के अंदर है या बाहर है, कैसे पता चलेगा, तो शांति कैसे पता चलेगा ये पॉइंट बाबू सर्किल के अंदर है कि बाहर है। तो सेंटर से इसका जो अगर लेंथ है, सेंटर से देखे से ना लग रहा बाबू, लेकिन कुछ क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वहां पे कंफ्यूज आ जाओगे। सेंटर से बाबू इस पॉइंट का जो लेंथ है, अगर ये पॉइंट का लेंथ रेडियस से बाबू आपको क्वेश्चन दे दे भोला, सर्किल का रेडियस दे दे, है ना, सर्किल का रेडियस दे दे मान लो 5 सेंटीमीटर, है ना। पॉइंट पी कहेगा बाबू कि 10 सेंटीमीटर पे लाई करेगा, पॉइंट सर्किल से कहा 10 सेंटीमीटर के पे है, तो वो पॉइंट बाहर में होगा अंदर में होगा कैसे पता चलेगा, तो सर्किल के रेडियस से कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना, रेडियस से। अरे मेरे शैतान, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई पॉइंट दे दे सर्किल का रेडियस दे दे 5 सेंटीमीटर, और कह दे कोई पॉइंट है बाबू जो सर्किल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वह जो पॉइंट होगा सर्किल के अंदर होगा कि बाहर होगा, है ना। जैसे क्या बाबू, मान लो सर्किल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और कोई पॉइंट पी है जो सर्किल से क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो पॉइंट कहाँ होगा। तो कैसे करोगे, अगर जो रेडियस है और जो पॉइंट है, तो अगर पॉइंट की लेंथ कम होगा, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट पी है, तो ओपी का लेंथ रेडियस से अगर कम होगा, तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, सर्किल के अंदर। आसान सा बात है, ओपी का लेंथ रेडियस से अगर कम होगा तो शायद पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, सर्किल के अंदर। अगर ओपी का लेंथ रेडियस से ज्यादा होगा तो शायद पॉइंट पी कहाँ चल जाएगा, सर्किल के बाहर। अगर ओपी का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाएगा तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, सर्किल पे। तो वही बात लिखल है ना, इफ ओपी लेस देन आर, ओपी का लेंथ रेडियस से छोटा है तो पॉइंट कहाँ, सर्किल के अंदर, बराबर है तो सर्किल पे, ज्यादा है तो सर्किल के बाहर, सर्किल के कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। ठीक, आसान आसान सा है, एलकेजी का बच्चा भी समझ जाएगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। आगे वो टर्म दे ले बाबू, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट बाबू है ना सर्किल का अगर बाहर है, तो वो सारे पॉइंट मेरा एक्सटीरियर कहलाएगा। और कोई भी पॉइंट बाबू, देखो ये सब बिंदी 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 है ना, बिंदी है ना, बिंदी माथा वाला बिंदी, ये सब पॉइंट कहाँ लाई करा, सर्किल के अंदर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल कहेंगे ना, और कुछ नहीं होता है ना। तो ये सारा अंदर में इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल है, ये क्या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल है ना, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा है। अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, सर्कल का डायमीटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और क्या सेकेंड लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होता है, कॉर्ड वगैरह क्या होता है, ये सब का बेसिक डिफिनेशन पहले आप लोग को आना चाहिए, बेसिक जितना कंसेप्ट है ना वो सब आना चाहिए। तो सर्किल का डायमीटर क्या होता है सर, तो कुछ नहीं होता, वह लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल से सेंटर से पास करे, वैसा लाइन सेगमेंट। डायमीटर क्या होगा, वह लाइन सेगमेंट जो कहाँ से पास करे, सर्किल के सेंटर से पास करे, और उस लाइन सेगमेंट का दोनों एंड सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करना चाहिए। तो वह जो लाइन सेगमेंट बनेगा वही मेरा क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, शांति से सुनो समझो। सर्किल का डायमीटर क्या होगा सर, तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास होना चाहिए और उसका दोनों एंड सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे जो लाइन सेगमेंट होगा डायमीटर होगा, है ना। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो डायमीटर नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, वो बाद बाद की बात। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। मान लो ये डायमीटर क्या वही लिखा है, ए डायमीटर इज बाबू स्ट्रेट लाइन बाबू, है ना बाबू, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड जिसका बाबू है ना एंडिंग पॉइंट कहाँ लाइक करे, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे। जैसे मान लो भोला है ना, यही बाबू मान लो यही सर्किल हो गया, है ना, बार बार कितना चीज बनाएंगे,
आप लोग फिर से करना गोलगा। ठीक, ये मेरा क्या है सर, एक सर्किल है ना। ठीक, अब एक सर्किल है बाबू, तो वैसा बाबू वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, सर्किल का सेंटर कहाँ, मान लो यहाँ पे सर्किल का सेंटर है कहीं बीच में, है ना। ठीक बोला, तो वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो कहाँ से पास होना चाहिए, सर्किल के सेंटर से, कहाँ से पास होना चाहिए, सर्किल के सेंटर से, और जिसका दोनों एंड सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे। जैसे क्या सर, जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट बाबू लो ऐसा कि सर्किल के सेंटर से पास करते हुए दोनों एंड कहाँ जाए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, मान लो ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया, सर्किल का सेंटर ओ हो गया। तो यही जो लाइन सेगमेंट है इसी को पंडित जी क्या नाम देगा बाबू, ए ईशांत बिट्टू, जिंदगी जी रहा भोला बिट्टू बाबू, जिंदगी नहीं ना जीना नेटवर्क जी। नहीं सही से पकड़ रहा है सर, कट कट के वीडियो आ यही जो रहा सर्किल का बाबू है ना, यही जो लाइन सेगमेंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक, अब एक सर्किल में कितना डायमीटर पॉसिबल हो सकता है सर, तो एक सर्किल में इनफिनाइट डायमीटर पॉसिबल हो सकता है। कैसे सर, एक सर्किल में बाबू आपको कहेगा कई गो डायमीटर होगा, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा बाबू, एक यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, है ना, ये इसको भी डायमीटर कहेंगे सर। क्रिटेरिया फॉलो कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा, और दोनों एंड कहाँ है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, है ना, तो इसको भी डायमीटर कहेंगे। मतलब एक सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं सर, इनफिनाइट हो सकता है ना, ऐसा ऐसा इनफिनाइट डायमीटर हो सकता है ना, बहुत सारे डायमीटर हो सकता है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डायमीटर से रिलेटेड, एक सर्किल में कितना होगा, इनफिनाइट डायमीटर होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू अगला कंसेप्ट सीखो, इसको अभी लिखाएंगे। जो सर्किल का डायमीटर होता है बाबू, सर्किल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, कोई भी इनफिनाइट डायमीटर है ना, कोई भी एगो डायमीटर ले लो, मान लो ब्लू कलर वाला ले लेते हैं, तो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ नहीं लग रहा है, मान लो ये एगो डायमीटर है तो ऊपर वाला एगो आधा हिस्सा, ये वाला, कोई भी डायमीटर लोगे तो हर एक डायमीटर सर्किल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, पहला पॉइंट है ना बाबू। नेक्स्ट, जो डायमीटर होता है भोला, ये तो बचपन से जानबे करता है, मान लो इस सर्किल का क्या है, रेडियस है ना, ये तो बचपन से जानता है, तो एगो रेडियस इधर है सर, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, और वही चीजवा एगो इधर है, वही चीजवा क्या है बाबू, एगो इधर है ना। ठीक, तो ये आर आर, बी ए मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, अब बी ए बराबर क्या लिखेंगे, एगो आर ई, एगो आर ई, तो आर आर का यार 2 आर, मतलब सर्किल का जो डायमीटर होगा रेडियस का क्या होगा, दुगना होगा, रेडियस का क्या होगा, दुगना होगा। तो यही दो तीन गो पॉइंट है ना, वो दो तीन गो पॉइंट है, सर्किल में इनफिनाइट डायमीटर होंगे है ना, इनफिनाइट डायमीटर क्या करेगा, हर एक सर्किल को दो गो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब प्लस सर्किल का जो डायमीटर होता है भोला, वो क्या होता है बाबू, वो क्या होता है मेरा, है ना, दो रेडियस का दुगना होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, एक और क्या है सर, कोई भी सर्किल का जो डायमीटर होता है, आगे पढ़ाएंगे, यह सबसे बड़का कोर्ड होता है। कोर्ड के बारे में भी समझ, किसी भी सर्किल का बाबू कहेगा सबसे बड़का कोर्ड कौन है, तो सर्किल का डायमीटर होता है ना। कोर्ड क्या होता है बाबू, वो है ना वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के कहाँ से पास करे, सर्कमफ्रेंस से पास करे, है ना, सर्कमफ्रेंस से पास करता हुआ, है ना। तो डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्किल का सबसे बड़का कोर्ड होता है ना, उससे बड़ा कोर्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन चार वो पॉइंट है रिलेटेड, है ना, डायमीटर से रिलेटेड, उसको लिख लो। तो डायमीटर देंगे, उसके नीचे ये डायग्राम बना लेना, है ना, ये डायग्राम बना लेना, और तीन चार को पॉइंट लिखना इन फिगर बाबू, फिर से डायग्राम बनाना, उसी में नहीं करना हो तो इसके नीचे भोला, है ना। तो समझते चलना, सुंदर से नोट्स बनाते चलना है, स्कूल में ले जाना है ना बाबू, और कंसेप्ट भी क्लियर करते चलना, खाली दिमाग कॉपी पे नहीं लिखो, दिमाग में भी लिखो। इन फिगर वाला लाइन सेगमेंट ए बी इज डायमीटर, है ना, ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाबू, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल यहाँ पे कंसेप्ट लिख लो, सबसे बढ़िया बोला।
ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज होने में अच्छा लगे। हेडिंग दे दो, कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट क्लासेस में कॉन्सेप्ट के बिना तो अच्छा लगता नहीं है। नेक्स्ट बाबू, अस्थिर से हम लोग है ना धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई अकबकाहट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे कि दोबारा जरूरतें नहीं पड़े। द डायमीटर ऑफ द डायमीटर इज द बाबू लार्जेस्ट कॉर्ड, बता रहे हैं बर्दाश्त करो, अभी कॉर्ड के बारे में आ रहा है, तुरंत अगला टॉपिक कॉर्ड है बताएंगे। द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड बाबू ऑफ एनी सर्किट, नेक्स्ट बाबू, द डायमीटर डिवाइड द सर्किट, द डायमीटर डिवाइड द सर्किल इंटू इंटू टू इक्वल पार्ट्स। 19-20 कुछ नहीं, बदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ऐसा नहीं है वो 19 होगा तो एगो 20 होगा, दाम इक्वल, कोई अथी नहीं बाबू। द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो, द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर द मिड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल। डैट इज डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मिड पॉइंट है बाबू तो यहां से कह सकते हैं बाबू डायमीटर इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, डी बराबर कितना होगा, 2 × r हो जाएगा, डी फॉर डायमीटर आर फॉर रेडियस। There are infinite number of diameters. There are कितने डायमीटर पॉसिबल हैं, इन्फिनाइट, देयर आर इन्फिनाइट नंबर। सर रेडियस का भी तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, हाँ बाबू इन्फिनाइट रेडियस भी होगा बाबू, कॉर्ड भी सब। इन सर्किल सर लिखिए। हाँ बाबू बोलिए, ये डी इज इक्वल टू 2 r पे क्वेश्चन मत करवाइएगा। अच्छा ठीक है नहीं करवाएंगे, ठीक है नहीं करवाएंगे, चलो आगे बाबू कॉर्ड के बारे में लिखो, जल्दी लिखो इसको, चंदना समझ में आता है, बोले क्या नीचे चले बाबू ऐसा ना, क्या सर और नीचे चले और इससे लो करें, समझ में आ जाता है, बोले संजना ना बोलते हैं, चलो लिखो जल्दी जी, श्रुति आ जाता समझ में बाबू, हाँ सर हाँ बाबू जल्दी लिखो अगला बाबू, क्या है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये क्या था डायमीटर था, कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट टेंजेंट ये सब आना चाहिए, सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन क्या होता है ये सब आना चाहिए, बहुत यूज होता है, माइनर आर्क मेजर आर्क सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और सेकेंड लाइन अलग होता है, जल्दी लिखे इरेज करेंगे।
नेक्स्ट बाबू कॉड ऑफिसर के। हाँ डायमीटर बराबर 2 आर, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, रेडियस दे रहेगा तो 2 आर। नेक्स्ट बाबू कॉर्ड में नहीं कंसेप्ट ज्यादा है, ठीक है ना, कॉर्ड कॉर्ड होता है। नेक्स्ट बोला कॉर्ड ऑफ सर्किल। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा जी, ठीक है ना, प्राइज वाला टेस्ट होगा। जितना मैथ में पढ़ा है वो सब बाबू, आप प्लस आपका इधर पढ़ाए थे साउंड पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन रहेगा, मैथ से रहेगा ये। सर इसीलिए तो मैं सर्कल पढ़ रहा हूँ सर, क्योंकि 12 तारीख को एग्जाम है मैथ्स का, उसमें सर्कल ही आ रहा है। हाँ तो बुक वाला भेज देना। कौन क्लास में, 7वां में कि 8वां में जी? एट में हूँ सर। हाँ तो बुक का फोटो भेज देना, कुछ टॉपिक रहेगा वो सब पॉइंट तो बता देंगे, सर ऐसे तो नहीं है छूट। बस कंस्ट्रक्शन और सर्कल्स तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ी पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री है ना भोला। सर तो मत बताइए सर, वो बन भी जाता है, उसके आगे जो क्वेश्चन है ना कौन नहीं। भेज देना, देखते हैं बाबू। कॉर्ड ऑफ सर्किल बाबू, इसमें थ्योरम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 9 का जो सर्किल है इसमें थ्योरम, जैसे बाबू है ना जो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे है ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये सब थ्योरम है ना। सेंटर पे एंगल, ये कॉर्ड के डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे, राइट एंगल होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ना से बाबू, इसको क्या सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल होता है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें थ्योरम बेसिस पे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बाबू फिर भी भेज देना, समझा अंशुजीत? यस सर भेज लाइन दूंगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स बाबू, एनी 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स बाबू ऑन ए सर्किल, इज कॉल्ड कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्किल। सर्किल का डायग्राम डायमीटर वाला अलग बनाइएगा, कॉर्ड वाला अलग अलग बनाइएगा, ठीक? फिर से बनाओ बाबू। तो हर एक डायमीटर मेरा क्या होगा, एक कॉर्ड होगा, जितने भी डायमीटर है सारे के सारे क्या होंगे, कॉर्ड होंगे। समझाते हैं कैसे, नेक्स्ट वो दो चार को कॉर्ड बना दो, एक ये कॉर्ड हो गया, ये भी मेरा कॉर्ड होगा है ना बाबू, बहुत सारे कॉर्ड पॉसिबल हैं, इधर से भी कॉर्ड हो सकते हैं, जैसे भी ड्रा करो ऐसे भी कर सकते हो है ना, कॉर्ड कुछ भी हो सकते हैं बाबू। नामकरण करोगे ए बी है ना भोला, एगो सी डी ई एफ, जरा छोड़ दो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारे कोड होगा है ना बाबू, इन फिगर बोला, इन बी सी डी ई एफ आर कोड्स, इनफिनाइट कॉर्ड्स होंगे, एफ आर कॉर्ड्स बाबू, ठीक? सर साइड जाइए सर, 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो,
कहाँ था अनुज? नेटवर्क नहीं था बोला अनुज बाबू? कितना यस सर। कोड पॉसिबल हो गए? इनफिनाइट बाबू, देयर आर इनफिनाइट कॉड्स आर पॉसिबल। लिखिए, समझाते हैं। ज्योति जिंदगी जी रही बोली। हे मयंक, निखिल कहाँ गया जी? पढ़ते चलना मन से बाबू। निखिल बाबू जल्दी लिखो, समझाते हैं। मोबाइल रोटेट करो, शांत नहीं आग खराब हो जाएगा। अल बाबू मोबाइल रोटेट करो जी, ये सब शैतान है। आप भी समझना, आग खराब हो जाएगा। भोले छोटे को कर लेते, घुमा के लिखते रहते। लिखे, समझाते हैं। मन से पढ़ना रोशनी है, इसमें दो तीन गो बच्चा दम शैतान है, कसम खाई ले हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, देखो जी कुछ नहीं जी। कॉड किसको कहेंगे सर? वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, लिख लिया जी, लिख लिया तो समझो। देखो वैसा लाइन सेगमेंट सर जो सर्किल को दो पॉइंट पे जाके मिले, आर पार नहीं हो जाए। आर पार हो जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। वह लाइन सेगमेंट वो जो सर्किल के दो गो पॉइंट पे मिला। आप शांति से सुनना है, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सर्कल को भी ड्रॉ करना है फिर सर। हाँ तो फिर से, अरे शैतान फिर से ड्रा करेगा ना जी, जितना आएगा सब में फिर से ड्रा करना है। डायमीटर में फिर से, इसके पहले शुरू में सर्किल वाला, उसके बाद डायमीटर में, इसके बाद कॉर्ड में, जल्दी ड्रा करो। सब शैतान है। सर्किल ड्रा करने में क्या जी, मम्मी जी का चूड़ी छोटा वाला लाओ, घींच दो पकड़ के, कंपास सर कंपास है। है घींच दो, तो और क्या बाबू, सर्किल ड्रा करने में कौन सा है। गर्ल सबके लिए तो टेंशन है नहीं बाबू, सब तो ऐसी शौक सिंगार से चूर रहती है ना। कुछ भी बाली, कान की बाली निकालेगी, हाथ की चूड़ी कंगन निकालेगी, घींच देगी। जल्दी जी, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। श्रुति भोले सोना की चूड़ी निकाले भोले, अब पकड़ के है ना गोल गाल घींच लीजिए। ये सबके पास गोल्ड की कमी है भारत में बाबू, सबसे ज्यादा गोल्ड महिलाओं के पास होता है, ठीक है ना, रिजर्व रहता है। देखो भोला भोले, हाँ कॉर्ड किसको कहेंगे सर? तो कुछ नहीं बाबू, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के दो गो पॉइंट पे जाके मिले। यहाँ एगो ई पॉइंट, एगो ई पॉइंट, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। सीडी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। कहीं से दो गो पॉइंट पे मिले, ये भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, है ना। कॉर्ड जो होगा बाबू सेंटर से पास नहीं होता है, कॉर्ड है जो सेंटर से पास नहीं होता। आई सर, सेंटर से पास हो जाएगा तो कोई भी कॉर्ड बाबू अगर सेंटर से पास हो गया तो वही कॉर्ड का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। बस कुछ नहीं है। अरे शैतान, अभी आप पापा जी के पास हो तो बेटा बनोगे, दादा के पास जाओगे तो पोता बन जाओगे, दादी के पास जाओगे तो पोती बन जाओगे, है ना, यही ना होता है जी। दादी के पास जाओगे तो क्या बनोगे, पोता, नतनी, नाती, ऐसे ही बनोगे। तो वही कहता है ये सारा का सारा क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है सर, है ना, वैसा लाइन सेगमेंट सर जो सर्किल के दो गो पॉइंट पे जाके मिले। ये लाइन सेगमेंट दो गो पॉइंट पे जाके मिल रहा, तो ये सारा का सारा कॉर्ड है। कॉर्ड मेरा सेंटर से पास नहीं होता। आए सर, तो सेंटर से पास हो जाएगा तो अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो जाता है तो वही कॉर्ड क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। जैसे फिगर में देखो ना भोला, ई कॉर्ड ए बी से बड़ा सी डी कॉर्ड, और सी डी से बड़ा कौन सा कॉर्ड, ई एफ कॉर्ड। बढ़ाते जाओ, ई एफ मेरा क्या कॉर्ड है, ई एफ से बड़ा कौन सा कॉर्ड, जी एच कॉर्ड, है ना, क्या बाबू, जी एच भी मेरा क्या बाबू कॉर्ड है ना। और यही जी एच जे के,
है ना, ये भी मेरा क्या कॉर्ड है। तो जो कॉर्ड बाबू पास होते होते बड़ा होते होते सेंटर से अगर पास हो जाएगा तो वही कॉर्ड मेरा डायमीटर बन जाएगा, और वह जो कॉर्ड बनेगा सबसे बड़का कॉर्ड बनेगा। इसीलिए शुरू में डायमीटर में लिखा है, जो कॉर्ड होता है, जो डायमीटर होता है सबसे बड़का कॉर्ड होता है। अष्टांग में लिखा है बाबू डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, इससे बड़ा कॉर्ड इसमें पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़का कॉर्ड किसी भी सर्किल का क्या होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है ना, डायमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट सीखना। तो क्या यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक कॉर्ड मेरा डायमीटर होगा, कह सकते हैं? ना सर, हर एक कॉर्ड मेरा डायमीटर होगा कैसे, ये मेरा डायमीटर नहीं ना, ये मेरा डायमीटर नहीं ना, लेकिन जितने के सारे डायमीटर मेरा क्या होंगे, कॉर्ड होंगे। एवरी डायमीटर सर बाबू कॉर्ड, बट एवरी कॉर्ड्स है ना बाबू, एवरी कॉर्ड्स में और मे नॉट बी डायमीटर, है ना, क्या सर? अरे शैतान, इसको डायमीटर कहेगा नहीं ना, ये डायमीटर कहेगा नहीं ना, लेकिन कॉर्ड कहेगा ना, इसको डायमीटर कहेगा नहीं ना, लेकिन जितने भी सारे डायमीटर है उसको हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि डायमीटर का दोनों पॉइंट कहाँ, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है ना, डायमीटर का दोनों पॉइंट कहाँ, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, कोई भी डायमीटर खींचोगे सर्किल के दोनों पॉइंट कहाँ, सरकमफ्रेंस पे। तो जितने के जितने सारे डायमीटर है वो कॉर्ड होंगे, लेकिन सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, सारा का सारा कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर नहीं होगा, है ना। तो छोटा सा पॉइंट है, लिख लो कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट बाबू, ऑल डायमीटर सर बाबू कॉर्ड है ना, ऑल डायमीटर्स जितने भी डायमीटर्स हैं है ना, ऑल डायमीटर सर बाबू, ऑल डायमीटर सर बाबू, ऑल डायमीटर सर कॉर्ड, बट ऐसे को समझ में आता है जी, बट सिंगुला हाँ सर, ऑल कॉर्ड सर बाबू, बट ऑल कॉर्ड्स हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट डायमीटर, है ना। ठीक बोल, अगला टॉपिक क्या वो सेकेंड लाइन है, इसको समझो। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन इसको समझाते हैं। यह सेकेंड लाइन है ना ऑफिसर के, ठीक है ना, लिखो फिर समझाते हैं। कुछ नहीं बाबू, अ लाइन बीच पासेस इंटरसेक्ट कर दो, ए लाइन बाबू बीच इंटरसेक्ट, ये सब बेसिक है, ये सब आपको आना चाहिए। सर्किल में बाबू अगर ये सब नहीं आता तो सर्किल आपको समझ ही नहीं आएगा, सबसे छोटका क्लास है। ए लाइन सेगमेंट बीच इंटरसेक्ट अ सर्किल, बीच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट टू पॉइंट्स, इज कॉल्ड सेकेंड लाइन, लिखो समझाते हैं, डायग्राम सर्किल बनाएंगे। लिख रहा लोग कि सर पे खाली हाथ धैले जी लोग, बोला हाँ बाबू, भोला लोक लिखता है जी कि नहीं लिखता है जी? लिख रहा हूँ सर। सर टू बार हाँ दो बार आप लिख दिए सर। हाँ बाबू, ये लाइन एल हो गया बाबू, ये लाइन एम हो गया है ना, लाइन को हम लोग सिंगल लेटर से ही भी रिप्रेजेंट करते हैं इन फिगर, लिखो समझाते हैं। इन फिगर
लाइन एल एंड एम आर सेकेंड लाइन। लिखे समझाते कुछ नहीं बाबू, आसान सा टॉपिक है। दो तरह के होता है, एगो सेकेंड लाइन होता है, एगो टेंजेंट लाइन होता है, दोनों में अंतर समझना है। जल्दी लिखो समझाते हैं। क्या था मयंक बाबू, सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन जानता है जी मयंक? क्या बोला मयंक? हाँ सर। सेकेंड लाइन है, टेंजेंट लाइन जानता है? नहीं चलो ठीक, अच्छी बात। आप जानते हो सिंकू? नहीं सर। चलो ठीक है, नहीं जानता बाबू, अच्छी बात है ना। देखो बाबू, पढ़े को पढ़ाना बड़ी कठिन काम है, और जो नहीं जानता उसको पढ़ाना आसान काम है। जैसे मान लो घड़ा तैयार हो जाता बाबू, तो उसको बनाना बहुत कठिन काम है, और गीली मिट्टी को ढालना आसान होता है। बहुत सारा बच्चा बाबू इधर उधर से पढ़ के आता है, कन्फ्यूजते रहता है। आप लोग नहीं पढ़े हो तो आराम से सीखोगे। लिखो जी, समझाते हैं। देखो सेकेंड लाइन दो, एगो सेकेंड होता है, एक टेंजेंट वर्ड होता है, दो वर्ड होता है ना, समझते चलना। ई बाबू, ई सब के बिना बाबू सर्किल कैसे कोई पढ़ा सकता है बाबू? नहीं, अगर कोई टीचर बताता तो समझो मामला गड़बड़ है। सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन है ना, सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन होता क्या होता है, इसको सीखो, सिखाते हैं। जल्दी सीखो, लेकिन जल्दी जी बेटो। सर सेकेंड सर 2 पॉइंट्स पे सर्कल अच्छा से ठीक टच है, होता है, और अच्छा टेंजेंट एक पे। देखो बाबू, मान लो ये मेरा क्या है सर, सर्किल है ना, गोली फंदा बाबू है ना, इसमें फांसी लगा के लटक जाओ। ये मेरा क्या है, सर्किल है ठीक, और यहाँ से एगो लाइन अगर पास कर दो तो बाबू इस तरह से है ना, तो ये सर्किल को कहाँ करेगा, दो गो पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। अरे शैतान, इस तरह से पास कर देते हो, ये लाइन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एगो यहाँ पे कट कर रहा आगे से सर, ठीक है आगे से करो, खुश रहो है ना ठीक। तो एगो यहाँ पे टच करेगा, एगो यहाँ पे कट करेगा, और यहाँ पे कट करेगा, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा ये सेकेंड लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंड लाइन बन जाएगा ठीक। टेंजेंट किसको कहेंगे, सेकेंड लाइन बाबू सर्किल को दो गो पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे कट आर पास। अरे सर्किल बोला मानो है ना, चाकू भोंक दो पेट, पेट से दम है ना, टच करते है ना, पेट से चाकू भोंक, आर पार हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। टेंजेंट किसको कहेंगे बाबू, नहीं अगर सर अगर सर्किल बाबू, सर। अच्छा ठीक है, सर्किल क्या कर रहा है वो जो लाइन है, अगर सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे ये लाइन है और ये सर्किल है, गोल गल क्या है, सर्किल है, तो ये सर्किल को कहाँ टच करेगा, कैसे पकड़े जी, एक पॉइंट। ऐसे यहाँ पे देखो, ये लाइन है, ये सर्किल है, तो एक के पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ऐसे करके टच करते हुए, मतलब बाबू कैसे बोलता है कि गोली मार दिया छू के निकल गया, तो ऐसे छू के निकल गया तो उससे टेंजेंट हो जाएगा, और आर पार हो गया तो सेकेंड हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता है ना। तो ये सर्किल है और ये मान लो लाइन है, तो ऐसे टच करके पास होगा, तो ये आपका टेंजेंट लाइन बनेगा, ये जो बनेगा, यही इसमें हर पार होके निकल जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, और कुछ नहीं होता है ना, यही बेसिक कंसेप्ट है ना। तो ये सेकेंड लाइन ये क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। तो एगो सर्किल में कई गो सेकेंड लाइन, इनफिनाइट, एगो सर्किल में कई गो सेकेंड लाइन पॉसिबल हो सकता है। मारे ना जी, इधर से ऐसे पास करवा दो, ऐसे पास करवा दो, ऐसे पास करवा दो है ना। तो ये लाइन है, इसमें क्या रहेगा, आपको एरो रहेगा, ये लाइन है ना। सेकेंड टेंजेंट किसको, टेंजेंट किसको कहेंगे सर, एकदम छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ जो पास करे एक पॉइंट से बाबू है ना, जो टच करता हुआ पास करे, उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। बेसिक इसमें और कुछ कुछ अभी है, अभी आर्क है, फिर सिगमेंट वगैरह है, माइनर सिगमेंट, मेजर सिगमेंट है ना, बेसिक पढ़ेंगे, फिर थ्योरम में एंट्री करेंगे ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम में एंट्री करेंगे है ना। टाइम हुआ जी? हाँ बाबू हो गया ठीक, तो ये इतना हो गया बाबू, कल हम लोग टेंजेंट लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेंजेंट। हाँ बाबू बोलिए। सेकंड रिकॉर्ड में क्या अंतर? अरे मेरा बाबू, कॉर्ड मेरा एक लाइन सेगमेंट होता है भोला, ये मेरा एक लाइन है ठीक है ना, ये एक लाइन है, लाइन लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर जानता है जी? यस सर। हाँ, लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों साइड चीर के बढ़ा सकता है, इसे तीर के बढ़ा सकता है ना, तो ये एक फिक्स लेंथ होगा, और ये मेरा एक लाइन है ना, ये क्या है, लाइन है, लाइन है ना, तो ये लाइन बाबू दो पॉइंट पे अगर ट्रैक, देखो ये लाइन को इधर इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, तो कॉर्ड होगा,
कॉर्ड का दोनों टर्मिनल सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, है ना, दोनों टर्मिनल। और लाइन का बाबू जो पास होगा है ना, आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो सेकंड लाइन को, ना समझा जी? तब भोला, ना समझा? जबरदस्ती समझा। गुड गुड इवनिंग सर, इवनिंग। बेटा नमस्ते सर। जबरदस्ती से देखो, दो तरह का समझना होता है, एगो जबरदस्ती समझना, जबरदस्ती मतलब समझते हो ना बाबू, है ना, आता टीचर नहीं समझा पा रहे बाबू, फिर भी हाँ है ना, समझ गए बाबू? हाँ, तो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी बच्चा बोल देता हाँ सर समझ गए, गुड तो इवनिंग उसको सर। उसको कहते हैं जबरदस्ती समझना, तो जबरदस्ती नहीं समझना। हाँ, जिसको जिसको बाबू थोड़ा सा इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड उलैंड पढ़ना है, तो अभी पढ़ाएंगे वो सब बच्चा को, है ना, आज हम ठीक है ना? साइंस पढ़ाएंगे। बाय हाँ भोला, पर सैटरडे आप लोग का टेस्ट होगा ना। बाय बाय बाबू, बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाबू, गुड बाय बाय भोला। इवनिंग सर। सर मैंने आपको होमवर्क भेजा पर आपने सेकंड पेज तो भेजा ही नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग बाबू। कौन सा सेकंड पेज भोली, नहीं चेक करके भेजे हैं जी? भेजे थे आप, बस एक ही भेजे थे और हो गया तो एक को भेजोगी तो एक के को ना भेजेंगे जी? सर। देखो आज ये बाबू, मोए मोए कौन है सर? कौन है पता नहीं बाबू। सर? कौन है? क्या हुआ अरे सर, आपका क्लास करके वो सब चीज बाबू, ये प्रॉफिटेबल नहीं होते है ना, वो सब बच्चा को और दिक्कत कर देता है। अच्छा, अभी उसको रिमूव कर देते, टेंशन मत लो। हाँ तन्नू, तन्नू का आदत चैन चैन के लिए तन्नू। बाय सर। सर सर हाँ जी, साइंस अच्छा पढ़ाएंगे सर। ठीक है, साइंस पढ़ेंगे, हल्ला मत कीजिए। हाँ सैटरडे जी, कहाँ को टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाइएगा? सर मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। बड़ी कौन जा रहा है केदारनाथ? पापा के साथ। पापा को